हेलो फ्रेंड्स, प्रिपरेशन पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। तो हम स्टार्ट करते हैं जनवरी के करंट अफेयर्स, जिसका कि ये सेकंड पार्ट है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एट विच पोजीशन इंडिया स्टैंड इन सीपीआई रैंकिंग, जिसका आंसर होगा 88th पोजीशन, यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 88th है, जो कि पहले 78th पोजीशन पे था 2018 में, और 2019 का जब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया तो इसमें ये 88th पोजीशन पे है अभी, यानी ये दो पोजीशन नीचे चला गया है। रैंकिंग के हिसाब से तो ये दो पोजीशन पीछे है, बट इसके जो पॉइंट्स हैं वो पहले से इंक्रीज हुए हैं। ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, ये 180 कंट्रीज़ के बीच में इसमें रैंकिंग की गई है ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन, जिसमें कि डेनमार्क और न्यूजीलैंड को इक्वल पॉइंट्स मिले हैं और ये टॉप पोजीशन पर हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, विच सिटी प्लान टू कंस्ट्रक्ट इंडियाज फर्स्ट वॉर मेमोरियल ऑफ एनिमल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ, जो कि यूपी में है। मेरठ में पहला एनिमल्स के लिए वॉर मेमोरियल बन रहा है, जिसमें जितने भी एनिमल्स हैं अभी तक आर्मी में या किसी भी तरह के वॉर में शहीद हो गए हैं, उनको उनका वहाँ पे मेमोरियल बनेगा, जिसमें डॉग्स, हॉर्सेस, म्यूल्स ये सब होंगे। थर्ड क्वेश्चन है, विच कंट्री टुक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ G77 फॉर 2020, तो G77 की जो अध्यक्षता कर रहा है इस बार वो गुयाना है। और G77 के बारे में जान लें तो ये 77 उन कंट्रीज़ का एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं UN की। ये इस्टेब्लिश हुआ है 1964 में जेनेवा में, और इस बार का गुयाना में हो रहा है, इसके पहले 2019 का पैलेस्टाइन में हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस, तो इसका आंसर होगा कैटरीना सेकेलारो पोलू। तो ये वहाँ की फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट बनी हैं, और ख़ास बात ये है कि ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबर नहीं है, और इन्हें 261 मेंबर्स का सपोर्ट मिला है। करेंटली ये एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और इसके साथ ही हाई कोर्ट जज भी हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, ऑन विच डेट नेशनल वोटर्स डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड, तो इंडिया में एवरी ईयर 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। 25 जनवरी ही क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था, और पहली बार 25 जनवरी 2011 में नेशनल वोटर्स डे मनाया गया। उसके बाद से हर साल ही 25 जनवरी को एज अ नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। इस बार का जो नेशनल वोटर्स डे का थीम था वो था इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा 24th जनवरी। इंडिया में एवरी ईयर 24th जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये 2008 में स्टार्ट हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रीब्यूशन से। इसके ये डे जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाने के पीछे जो इरादा है वो है मैक्सिमम सपोर्ट और फैसिलिटी प्रोवाइड करना जो भी गर्ल चाइल्ड्स हैं उनको इस कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट पोजीशन इंडिया स्टूड इन ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसका आंसर हो जाएगा 72। तो 72 जो रैंक है वो इंडिया की है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। ये जो रैंकिंग की गई है वो 132 नेशंस के बीच में की गई है, और पिछले साल के मुकाबले इस बार इंडिया 8 प्लेसेस आगे हुआ है, और जो इस लिस्ट में स्विट्जरलैंड को टॉप पोजीशन मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक इज़ गोइंग टू मर्ज विद द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, तो इसका आंसर हो जाएगा रुपी कोऑपरेटिव बैंक, जिसको कोऑपरेटिव बैंक के भी नाम से जाना जाता है।
ये जो ट्रूपी कोऑपरेटिव बैंक है ये 107 साल पुराना बैंक है, जिसकी 35 ब्रांचेज हैं और टोटल इस टाइम 304 ऑन रोल एम्प्लॉयज़ हैं इसमें। विच प्रीमियर इंस्टीट्यूट इज़ गोइंग टू ट्रेन यूपी पुलिस फॉर क्राउड मैनेजमेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा IIM इंदौर। IIM इंदौर को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि वो यूपी पुलिस को क्राउड मैनेजमेंट में उन्हें ट्रेनिंग दें। इसके अंतर्गत उन्हें लेसन्स जो ट्रेन कराए जाएंगे उसमें क्राउड मैनेजमेंट होगा एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उन्हें ट्रैफिक मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस और AI का कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में भी ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो वॉन द सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड 2019? तो इसका आंसर है प्रिया प्रकाश, जो कि हेल्थ सेट गो की फाउंडर एंड CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेट द 34th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर? सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर का इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने किया है, जो कि 1 फरवरी से स्टार्ट है और इसका जो थीम स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश और पार्टिसिपेटिंग कंट्री इस बार उज़्बेकिस्तान है। ये मेला सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर्स ये मेला है जिसमें हैंडीक्राफ्ट का मेला है एक तरह से, और ये एवरी ईयर फरवरी में ही आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली असम राइफल्स कंस्ट्रक्टेड इट्स कंबाइंड वॉर मेमोरियल इन विच स्टेट? तो ये आंसर है नागालैंड। इसको कंबाइंड वॉर मेमोरियल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये आर्मी और असम राइफल्स का कंबाइंड वॉर मेमोरियल है। जितने भी जो कि 357 आर्मी और असम राइफल्स पर्सनल हैं नॉर्थ ईस्ट के जो कि शहीद हुए हैं उनकी याद में ये मेमोरियल बनाया जा रहा है। विच इंडियन स्टेट इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना के ही हैदराबाद सिटी में वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर ओपन हो रहा है, जिसमें फ्री मेडिटेशन के लिए कम से कम 1,00,000 लोगों की कैपेसिटी है, वहाँ पे फ्री मेडिटेशन कर सकेंगे। इसमें आप इमेज में देख सकते हैं कि इसमें एक बड़ा सा सेंट्रल हॉल दिख रहा है और इसके अलावा 8 छोटे पेरिफेरल हॉल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ ऑनर्ड विद द प्रेस्टीजियस फ्रेंच ऑनर नाइट ऑफ द ऑनर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स? तो ये जो फ्रेंच का सम्मान है ये मिला है थिएटर आर्टिस्ट संजना कपूर को, इनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और कंट्रीब्यूशन के लिए इन द फील्ड ऑफ थिएटर। संप्रीति इज अ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो ये हो जाएगा इंडिया और बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है उसका नाम है संप्रीति, और इस बार संप्रीति 9th जो है वो कंडक्ट होगा उमरोई मेघालय में 3 से 16 फरवरी के बीच में। विच इंडियन प्लेयर ऑनर्ड विद द एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड? तो इसका आंसर है रानी रामपाल, जो कि इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन भी हैं और रिसेंटली इनका नाम पद्मश्री के लिए भी आया है। ये जो इनको जो सम्मान मिला है एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड का, ये एक वोटिंग सिस्टम के द्वारा मिला है जिसमें इन्हें 1,99,477 वोट्स मिले हैं। रिसेंटली WHO डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल इमरजेंसी टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ विच वायरस? तो ये सबको ही पता होगा इस टाइम पर नोवेल कोरोना वायरस बहुत ही ज़्यादा फैल गया है। इसकी जो सबसे पहला जो केस हुआ था वो वुहान चाइना से निकल के आया है, उसके बाद से ये पूरा फैलता ही जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। कई अभी 27 कंट्रीज़ हैं जो कि इससे अफेक्टेड हैं, इसलिए WHO ने इसे इंटरनेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रोफेशनल फुटबॉलर? तो इंडिया की प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं बन गई हैं बाला देवी, जो कि मणिपुर पुलिस में कार्यरत हैं और इस टाइम पे ये इंडियन नेशनल वीमेन टीम की लीडिंग गोल स्कोरर है, सबसे ज़्यादा गोल बनाने वाली हैं
और इसके अलावा ये साउथ एशियन रीजन में अगर देखा जाए तो इसमें भी ये टॉप इंटरनेशनल गोल स्कोरर रही हैं। इन्हें रेंजर्स फुटबॉल क्लब ने अपनी टीम में शामिल किया है, जिसके बाद से ये पहली इंडियन वुमेन प्रोफेशनल फुटबॉलर बन गई हैं। अ 3 डे लॉन्ग नर्मदा महोत्सव बिगेन इन विच स्टेट? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हर साल नर्मदा महोत्सव मनाया जाता है और इस बार ये अमरकंटक प्लेन्स के पास नर्मदा जयंती के उत्सव पे मनाया जा रहा है। एवरी ईयर ये नर्मदा जयंती पर ही मनाया जाता है और 3 दिन का जो ये प्रोग्राम है इसमें एक दिन पूरा रिजर्व है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित। उस दिन जितने भी इवेंट्स होंगे जो भी कार्यक्रम होंगे वो उसी से संबंधित होंगे। व्हाट इज़ डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल मॉस्कॉट फॉर नेशनल गेम 2020? तो नेशनल गेम्स का जो मॉस्कॉट है वो है रूबीगुला फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, जो कि गोवा का स्टेट बर्ड भी है। तो 36 नेशनल गेम्स जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 20 अक्टूबर से और 4 नवंबर तक होंगे गोवा में, जिसमें 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज शामिल होंगे और 12,000 एथलीट्स। हु बिकेम द ICC प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 2019? तो इसका आंसर है बेन स्टोक्स, जो कि इंग्लैंड के बैट्समैन हैं। रोहित शर्मा जो कि इंडियन बैट्समैन है उन्हें ODI प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। उसी जगह पैट क्यूमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं उन्हें टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए उनका नाम है। हु अनाउंस एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $1 billion इन इंडिया फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस? तो इसका आंसर हो जाएगा जेफ बेजोस, जो कि अमेजोन के CEO हैं। ये जेफ बेजोस अभी हाल ही में इंडिया में आए थे संभव, जो कि एक समिट अमेजन और इंडिया गैदरिंग है संभव नाम की, उसमें एज ए स्पोक्स पर्सन। और इस जो इन्वेस्टमेंट है $1 billion का, इसके अंतर्गत स्मॉल एंड मीडियम जो बिजनेसेस हैं उनको ऑनलाइन करने के लिए इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर रिजाइंड ऑन 15 जैन? 15 जनवरी को रसिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे अभी डिमिट्री मेडवेडेव, उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया है प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को। और इसके बाद पुतिन ने मिखाइल मिशोस्टिन को नेक्स्ट PM के लिए उनका नाम अनाउंस किया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द जनरल मैनेजर ऑफ वेस्टर्न रेलवे? तो ये बन गए हैं आलोक कंसल का नाम है जनरल मैनेजर वेस्टर्न रेलवे के लिए, आलोक कंसल जो कि अभी तक प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेलवे बोर्ड में। ये जो है कि 1983 बैच के ऑफिसर हैं इंटर रेलवे सर्विसेज ऑफ इंजीनियर्स के। अकॉर्डिंग टू IMF व्हाट विल बी इंडियाज़ ग्रोथ फॉर द ईयर 2019-20? तो ये जो IMF ने इंडिया की ग्रोथ अनाउंस की है 2019-20 के लिए वो 4.8% है, जो कि पहले उसने ज़्यादा अनाउंस की थी, उसने बाद में अपना चेंज कर दिया। 5.8% 2020-21 के लिए है और 6.5% 21-22 के लिए है। विच कंपनी इज़ गोइंग टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट स्मार्टफोन डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? तो ये कंपनी है सैमसंग, जो कि दिल्ली के आउटर एरिया में एक स्मार्टफोन डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रही है। इसके पहले सैमसंग ने मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड की लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी सेटअप की है इंडिया में नोएडा में। और जो ये डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसके लिए सैमसंग 3500 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है। विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ वाटर एफिशिएंसी टारगेट्स? तो ये है गुजरात, गुजरात रैंक 1 पे है। इसके अलावा राजस्थान जो है वो 3rd नंबर पे है और वर्स्ट कंडीशन जो है वो दिल्ली की है, वो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है दिल्ली। और ये जो टारगेट है इसको अचीव करने के टर्म्स में ये रैंकिंग की गई है जो टारगेट सेट किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा।
रिसेंटली हु डिसाइडेड टू एग्जिट फ्रॉम रॉयल फैमिली ऑफ ब्रिटेन, तो ये है प्रिंस हैरी एंड हिज वाइफ मेगन मार्कल, जिन्होंने रॉयल फैमिली ऑफ ब्रिटेन से खुद को एग्जिट करने का डिसीज़न लिया है, और इन्हें ड्यूक एंड डचेस ऑफ ससेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके बाद से, इस अनाउंसमेंट के बाद से, ये जो क्वीन है वहाँ की रॉयल फैमिली की, ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ, उनके किसी भी ऑफिशियल काम में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं। विच फिल्म गॉट द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन 18th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो ये फिल्म है कैसल ऑफ ड्रीम्स, जो कि ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है जिसे। ये फेस्टिवल कंक्लूड हुआ है 19 जनवरी को, जिसमें बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिला है लूसी एवियल फॉर द फिल्म एडवर्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल इम्यूनाइजेशन डे ऑब्जर्व्ड इन 2020, तो ये है 19 जनवरी को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे सेलिब्रेट किया गया, जिसकी शुरुआत प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने पल्स पोलियो प्रोग्राम को लॉन्च करके किया राष्ट्रपति भवन में न्यू दिल्ली में। वेयर डिड द 50th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बिगिन इन जनवरी 2020, तो 50वां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आयोजित हो रहा है दाओ स्विट्जरलैंड में, जिसमें 53 हेड ऑफ स्टेट्स पार्टिसिपेट करेंगे 117 कंट्रीज से। इस बार का थीम है स्टेक होल्डर्स फॉर अ कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसका जो फाउंडेशन है वो 1971 में हुआ था। वेयर डिड द 9th इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल बिगेन इन जनवरी 2020, तो ये हुआ है कोलकाता में, जिस और इस जो इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल है, इसकी शुरुआत हुई है हामिद फिल्म की स्क्रीनिंग से, जिसमें टोटल 250 फिल्म्स पार्टिसिपेट कर रही हैं 45 कंट्रीज से। हु इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सस्पेंडेड आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो कि अभी तक कुछ दिनों से सस्पेंड था, उसके नए प्रेसिडेंट बने हैं अर्जुन मुंडा, जो कि करेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर 2020 वीमेन सिंगल्स टाइटल, तो ये मिला है रेचनोक इंटानोन को, जो कि जिन्होंने अपने फाइनल मैच में कैरोलिना मरीन, जो कि स्पेन की बैडमिंटन शटलर है, उन्हें हराया है। और जो ये टूर्नामेंट हुआ है, ये इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ है। इन विच ईयर रामनाथ कोविंद का एक्सीलेंस अवार्ड वेयर इंस्टीट्यूटेड, तो ये अवार्ड की शुरुआत हुई है 2006 में। 2006 से एवरी ईयर रामनाथ कोविंद का एक्सीलेंस अवार्ड उन जर्नलिस्ट्स को दिए जाते हैं जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में। इस बार का अवार्ड प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने न्यू दिल्ली में जो भी जर्नलिस्ट हैं इस अवार्ड के लिए, उनको इनसे सम्मानित किया है। हु वॉज द चीफ गेस्ट एट द 71st रिपब्लिक डे परेड एट राजपथ इन न्यू दिल्ली, तो इस बार के चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे में जैर मेसियास बोल्सोनारो, जो कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं। ये यहाँ पर इंडिया ब्राज़ील बिजनेस फोरम को एड्रेस करने के लिए आए थे, जो कि 27 जनवरी को दिल्ली में हुआ है। विच स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, तो ये जो योजना है ये लॉन्च की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसके अंडर जो एज ग्रुप 18 से 70 के बीच में जो भी किसान होंगे, जो कि खेत में काम करते टाइम घायल हो जाते हैं, तो उन्हें 5 लाख तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा इसके अंतर्गत। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया ऑन सोशल मोबिलिटी इंडेक्स रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन 2020, तो सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 76, जो कि ये जो रैंक है वो 82 कंट्रीज़ के बीच में निकाली गई है, और इंडिया काफ़ी पीछे है, 76 रैंक है इसकी।
जो नॉर्डिक नेशंस हैं जैसे डेनमार्क, नॉर्वे, स्पेन, ये सब हैं, ये टॉप पोजीशंस पे हैं, जिनमें डेनमार्क की रैंक 1 है। विच स्टेट लॉन्च्ड मोबाइल ऐप रोजगार संगी? रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने, ये वहाँ के सीएम भूपेश बघेल ने इसे लॉन्च किया है। इस रोजगार संगी ऐप के जरिए जो भी वहाँ के ट्रेंड यूथ हैं उन्हें अपने लिए जॉब ढूंढने में सहायता मिलेगी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द कमिटी टू ड्राफ्ट द नेशनल वाटर पॉलिसी? तो ये हैं डॉक्टर मिहिर शाह, जिन्हें नेशनल वाटर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो ये नेशनल वाटर पॉलिसी है ये एस्टैब्लिश हुई है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजेनरेशन के द्वारा। इस कमेटी में 11 मेंबर्स हैं और एक चेयरमैन। इसके अलावा ये जो कमेटी है इसे ये जो डेडलाइन दी गई है अपना ड्राफ्ट सबमिट करने की वो 6 महीने की दी गई है। हु वॉन द WTA वुमेन्स डबल्स टाइटल? तो डबल्स टाइटल जीत लिया है सानिया मिर्ज़ा और उनकी यूक्रेनियन पार्टनर नादिया किशनोक ने। ये जो WTA वुमेन्स डबल्स मैच हुआ था ये होबार्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इनके आखिरी जो फाइनल मैच था उसमें इन्होंने चाइना की साओ पिंग एंड स्वाई जेंग को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम की। सानिया का ये 42वां WTA डबल्स टाइटल है। हु लॉन्च द भुवन पंचायत वर्जन 3 वेब पोर्टल इन जनवरी 2020? तो ये लॉन्च किया गया है इसरो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसे लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने। जो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर PMO हैं और ये जो लॉन्च हुआ है पोर्टल ये इन्हेंस नेटवर्क एप्लीकेशन ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में नेटवर्क एप्लीकेशन को इन्हेंस करने के लिए है। और ये जो पोर्टल है वो फंक्शन करेगा विद द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट्स जो कि इसरो के द्वारा डेवलप की गई हैं। द टैब्ल्यू ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन चूजन एज द बेस्ट टैब्ल्यू फॉर रिपब्लिक डे परेड 2020? तो जो असम का टैब्ल्यू है जिसमें उन्होंने अपने स्टेट के क्राफ्टमैनशिप और कल्चर को दर्शाया है उसने फर्स्ट प्राइज जीत लिया है इसमें। इसके अलावा उड़ीसा और UP के जो झांकी है उसको सेकेंड पोजिशन मिला है एक साथ। Who has been appointed as India's ambassador to the United States in January 2020? तो ये हैं तरनजीत सिंह संधु, जो कि करेंटली इंडिया के हाई कमिश्नर के तौर पर काम कर रहे हैं श्रीलंका में। Who has been conferred हरित रत्न अवार्ड 2019? तो ये अवार्ड मिला है प्रोफेसर डॉक्टर एन कुमार को, जो कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं। एवरी ईयर ये हरित रत्न अवार्ड कृषि के क्षेत्र में कोई उत्कृष्ट काम करने के लिए दिया जाता है और ये जो अवार्ड है इन्हें मिला है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में उसके 5th नेशनल यूथ कन्वेंशन के टाइम पर। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।